हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज। हॉरर स्टोरीज के साथ साथ मैं आपको कुछ असली पैरानॉर्मल वीडियोस भी दिखाऊंगा और उन वीडियो के कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो की सभी स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो विनीत सिंह जी ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विनीत है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पापा के साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और जिस समय यह घटना उनके साथ हुई थी उस समय उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक नए ज़िले में हुई थी। जिस ज़िले में पापा की पोस्टिंग हुई थी उस ज़िले के अंदर से एक हाईवे भी निकलता था। जिस समय पापा की पोस्टिंग उस ज़िले में हुई थी उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। फिर ड्यूटी ज्वाइन करते ही पापा को उस ज़िले में आने वाले हाईवे से कई एक्सीडेंट की कंप्लेन आने लगी। पहले मेरे पापा को लगा कि ठंड का मौसम चल रहा है इसलिए शायद कोहरे की वजह से ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन एक्सीडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गर्मी का मौसम आया तब भी उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट कम नहीं हुए। हालांकि उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट ज़्यादा बड़े नहीं होते थे और उन एक्सीडेंट में किसी की जान भी नहीं जाती थी, लेकिन तब भी मेरे पापा के मन में ये बात आई कि आखिर उस हाईवे पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। इसके बाद पापा ने हाईवे पर हो रहे उन एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पापा को पता चला कि उस हाईवे के 200 मीटर के दायरे में ही ये सभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाईवे का वो हिस्सा बिल्कुल सीधा जाता था और वहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी जिसकी वजह से उस जगह पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पापा को एक और बहुत ही अजीब बात पता चली। बात ये थी कि उस जगह पर सिर्फ ट्रक का ही एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों जैसे कि जीप कार यहाँ तक कि बस के साथ भी उस जगह पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था। इसके अलावा उन सभी एक्सीडेंट की टाइमिंग भी लगभग एक ही होती थी। उस जगह पर सारे एक्सीडेंट रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही होते थे। इन सभी बातों को जानकर मेरे पापा बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इन एक्सीडेंट के बारे में और अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए पापा ने उस एक्सीडेंट वाली जगह के पास कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। वो पुलिस वाले हाईवे के 200 मीटर के उस हिस्से पर नज़र रखे हुए थे। फिर पहली रात को 2 बजे वहां से गुजर रहा एक ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वो ट्रक एक झटके से सड़क किनारे जाकर खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उस ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा ट्रक इस तरह से डिसबैलेंस कैसे हो गया। तब पुलिस वालों की बात का जवाब देते हुए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि साहब, मैं तो बिल्कुल सही से अपना ट्रक चलाते हुए जा रहा था, पर पता नहीं कहां से अचानक ही 16-17 साल की कई लड़कियां साइकिल चलाते हुए एकदम से ट्रक के बिल्कुल आगे आ गईं। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में मुझे झटके से ब्रेक लगानी पड़ी और इसी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो गया। ट्रक ड्राइवर की इस बात पर पुलिस वालों ने कहा कि इस समय रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन लड़की साइकिल लेकर हाईवे पर निकलेगी, और वैसे भी ट्रक को अचानक से रुकते हुए हमने खुद देखा था, हमें तो तुम्हारे ट्रक के आगे कोई लड़की या साइकिल दिखाई नहीं दी। पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि ट्रक ड्राइवर बार बार कहता रहा कि उसने सच में ट्रक के आगे कुछ लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखा था। खैर, फिर पुलिस वालों ने वार्निंग देकर उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। पुलिस वालों ने इस घटना के बारे में मेरे पापा को भी बताया था और मेरे पापा को लगा था कि वो ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है और उसे ट्रक के आगे कोई लड़की नहीं दिखी थी, वो बस पुलिस से बचने के लिए बातें बना रहा था। इसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। दरअसल उसी जगह पर 4 दिन के अंदर इसी तरह के 6 और एक्सीडेंट हुए और हर एक्सीडेंट के बाद सभी ट्रक ड्राइवर यही कहते थे कि उनके ट्रक के आगे अचानक से साइकिल चलाती हुई कुछ लड़कियां आ गई थीं, जिसकी वजह से उनको झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। उस जगह पर ट्रक के डिसबैलेंस होने के बाद
हर ट्रक ड्राइवर एक ही बात बताता था। ये बात नॉर्मल नहीं थी। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद साइकिल चलाती हुई लड़कियों के बारे में बताते थे, जबकि वहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर सिर्फ ट्रक वालों के साथ ही इस तरह के हादसे हो रहे थे। फिर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पापा ने रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुद उस जगह पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। हाईवे के उस हिस्से में हो रहे हादसों की असली वजह पता लगाने के लिए मेरे पापा ने एक तरकीब सोची थी। अब पापा खुद रात को उस हाईवे पर ड्यूटी देने लगे थे। मेरे पापा उस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक में ही बैठ जाते थे। ट्रक में बैठकर पापा हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार करते थे जहां पर एक्सीडेंट होते थे, और उस हिस्से को पार करने के बाद पापा ट्रक से उतर जाते थे। शुरुआत में दो बार तो मेरे पापा ने बिना किसी हादसे के ट्रक में बैठकर हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार कर लिया, लेकिन तीसरी बार जब पापा वहां से गुजरने वाले ट्रक में बैठकर हाईवे के उस हिस्से को पार करने लगे, तभी उनके साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। दरअसल तीसरी बार जब पापा वहां से गुजर रहे ट्रक में बैठकर उस हादसे वाली जगह को पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रक के बिल्कुल आगे साइकिल चलाती हुई कई लड़कियां आ गईं। वो सभी लड़कियां 16-17 साल की थीं और उन सब ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उन लड़कियों को मेरे पापा के साथ साथ ट्रक के ड्राइवर और ड्राइवर के हेल्पर ने भी देखा था। फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाते हुए ट्रक को एक झटके से किनारे की तरफ मोड़ दिया, जिससे ट्रक हाईवे के किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर ट्रक के रुकते ही मेरे पापा तुरंत ही ट्रक से उतर गए और वो भागकर हाईवे पर साइकिल चलाती उन लड़कियों को देखने लगे। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि अब उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं थी। वो हाईवे बिल्कुल सीधा जाता था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो सभी लड़कियां इतनी जल्दी साइकिल चलाते हुए उस जगह से निकल जाएं। इस घटना से मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। फिर मेरे पापा ने बिना किसी पूछताछ के उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पापा ने हाईवे के उस हिस्से पर सड़क किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। उस बोर्ड पर लिखा था कि ये एक दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। इसके बाद पापा ने उस हाईवे पर हुए पुराने सभी एक्सीडेंट की फाइल्स देखना शुरू की, और तब उनको हाईवे की उसी जगह पर हुए एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला। वो एक्सीडेंट वहां पर कई साल पहले हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक तेज रफ्तार से भागते ट्रक ने साइकिल से स्कूल से घर लौट रही कुछ लड़कियों को कुचल डाला था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलते ही मेरे पापा समझ गए कि उस हाईवे पर एक्सीडेंट में मारी गई उन्हीं लड़कियों की आत्माएं भटक रही हैं, और ये आत्माएं सिर्फ ट्रक वालों को ही दिखाई देती हैं। मेरे पापा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद मेरे पापा भी मानने लगे हैं कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ आत्माएं भी रहती हैं। ये पूरी घटना मुझे मेरे पापा नहीं बताई थी, और मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उनकी बात पर मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे कोलकाता से मिसबा खान जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम मिसबा खान है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरी नानी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना उस समय की है जब मेरे नाना नानी की नई नई शादी हुई थी। बात यह है कि शादी के बाद मेरे नाना नानी एक अलग घर में रहने लगे थे। मेरी नानी घर संभालती थी जबकि मेरे नाना काम करने जाते थे। मेरे नाना को अक्सर काम से घर लौटने में रात को देर हो जाती थी। मेरी नानी रात को खाना बनाकर नाना के घर लौटने का इंतज़ार किया करती थी। तो इसी तरह एक बार रात के समय मेरी नानी नाना के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी नाना का इंतज़ार करते करते नानी को नींद आ गई और वो सो गईं। फिर कुछ देर बाद ही नाना भी घर आ गए। घर आकर नाना ने नानी को जगाया और कहा कि
अरे तुम सो गई क्या? नाना के जगाने से नानी उठ गई। फिर नाना को घर आया देखकर नानी ने कहा कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मेरे नाना हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ चले गए, जबकि मेरी नानी खाना निकालने के लिए किचन चली गई। फिर थोड़ी ही देर में नानी ने नाना के लिए खाना लगा दिया, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी जब नाना बाथरूम से बाहर नहीं निकले तब नानी को ये बात काफ़ी अजीब लगी। फिर नानी नाना को देखने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि बाथरूम में नाना नहीं थे। फिर नानी ने पूरे घर में नाना को ढूंढा, लेकिन नानी को नाना कहीं भी नहीं मिले। इस बात से नानी बहुत हैरान रह गई। फिर नानी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इसके आधे घंटे बाद मेरे नाना फिर से घर आ गए। नाना को देखकर मेरी नानी बिल्कुल हैरान रह गई। नानी को हैरान देखकर नाना ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? तब नाना की बात पर नानी ने कहा कि अरे आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपके लिए खाना निकाल के रखा था, आप हाथ मुंह धोने गए थे लेकिन उसके बाद आप पता नहीं कहाँ चले गए। तब नाना ने कहा कि तुमने मेरे लिए खाना क्यों निकाला, मैं तो अभी आया हूँ। नाना की ये बात सुनकर नानी बिल्कुल चौंक गई। फिर नानी ने कहा कि अगर आप अभी आए हैं तो आपके जैसा दिखने वाला वो कौन था जो आधे घंटे पहले यहाँ आया था? नानी की ये बात सुनकर नाना बिल्कुल चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद नाना ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए खाना लगाओ, बाकी बातें कल करी जाएंगी। मेरे नाना ने कुछ सोचकर वो बात यहीं पर ख़त्म कर दी। इसके बाद नाना नानी खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह नाना ने नानी से कहा कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं पहले इस जगह पर जंगल हुआ करता था, और कई लोगों का मानना है कि उस जंगल में कई जिन भी रहते थे, और मुझे लगता है कि कल कोई जिन ही मेरी शक्ल बनाकर तुम्हारे सामने आया था। ये बात सुनकर मेरी नानी बहुत डर गई। तब मेरे नाना ने नानी से कहा कि डरो नहीं, ये जिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर ये जिन हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो कब का हमारे साथ कुछ बुरा कर चुके होते, और वैसे भी मैंने खुद कई बार रात के समय एक आदमी को हमारे घर की दीवारों से आते जाते देखा है। ये चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन हमको भी ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी इनको परेशान ना करें। इस घटना के बाद भी कई बार मेरे नाना नानी ने उस जिन को अपने घर में देखा था। वो जिन कभी भी नाना नानी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद मेरे नाना ने वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी दूसरी हॉरर स्टोरी जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बिल्कुल असली पैरानॉर्मल वीडियो। इस वीडियो में आप एक काले इंसानी साए को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्रिस डी नाम का एक शख्स अपने कुछ दोस्तों से बातचीत करते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और उसी लाइव स्ट्रीम के दौरान ही क्रिस के पीछे से एक साया जाता हुआ दिखाई देता है। क्रिस से बात करने वाले दोस्त भी उस साय को देखते हैं। यहाँ तक कि वीडियो में क्रिस भी ये बात कहता है कि उसको अपने पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ था। खैर, यह था वीडियो का कॉन्टेक्स्ट, और अब आप देखिए वो वीडियो। I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. Bro, I got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop Junebug, it. Run chill back. Out. I'm alone. Looking at it right now. I'm looking at it. I'm gonna go look at it right now because this is what? Oh, shit. Bro. What? What? Junebug, what happened? That what? Was not a person, bro. What the fuck did y'all see? I'm not playing no more. Nah, J-Rob, boy, what, so you disagreed on? That look like you might got a ghost, bro. Bro, I'm chill out, bro. Hold on, nah, I'm lost right now. Wait. Look at so this. All right, look. Yeah, just watch the vid. I don't know. It might be time for him to go there. You know what I'm saying? I say. What's that? What the fuck was that? What the hell was that? I say you just build off of those people. तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वैसे दोस्तों मैं आपको एक और घटना के बारे में बताना चाहता था जो कि अभी हाल ही में अमेरिका में हुई है, और साथ ही मैं आपको उस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी दिखाता जिसमें एक एलियन को दिखाया गया है। और लेकिन दोस्तों बात यह है कि समय की कमी की वजह से मैं उस वीडियो या उस घटना के बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया। लेकिन दोस्तों अगली बार वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगा और उस घटना से जुड़ा असली वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में आप एक एलियन को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भूत प्रेतों के बारे में आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।